नमस्कार प्यारे बच्चों मैं डॉक्टर ऋषि गुप्ता कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं बच्चों आज हम रसायन विज्ञान भाग दो के अध्याय आठ अपचयोपचय अभिक्रियाएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का छठा व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था अर्ध अभिक्रिया विधि के द्वारा तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं तो बच्चों आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए भी जैसे हमने अर्ध अभिक्रिया विधि में कुछ पद पढ़े थे यहां भी कुछ पद हैं और उन पदों को जैसे जैसे हम फॉलो करते जाएंगे हमारी जो सब अभिक्रिया है वो संतुलित होती जाएगी तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है पहला पद ये कहता है कि सभी अभिकारकों को और उत्पादों का सही सूत्र लिखिए यानी कि जब आप अपनी कॉपी में प्रश्न को उतारें तो वो देख लीजिएगा कि जितने भी आवेश लगे हैं जो सूत्र आपने लिखा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए वरना ऑक्सीकरण संख्या गलत आ जाएगी आपकी ठीक है तो इसका बहुत ध्यान रखना है फिर दूसरा पद ये कहता है कि हमें ऐसे परमाणुओं को पहचानना है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है और फिर सबसे पहले हमें उन्हीं परमाणुओं की संख्या को क्या करना है संतुलित करना है ठीक फिर क्या करेंगे हम ये देखेंगे उसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है और कमी हो रही होती है तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीकरण संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है और कितनी कमी हो रही है फिर हम वृद्धि और कमी को क्या करेंगे बराबर करेंगे ठीक है उन्हें एक समान करेंगे किसी उपयुक्त संख्या से गुड़ा कर उसके बाद यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है या न्यूट्रल माध्यम में हो रही है तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं जल के अणु जोड़ देते हैं और फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम H प्लस आयन जोड़ देते हैं ठीक अगर बेटा हमारा माध्यम क्षारीय है तो कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ सारे स्टेप यही फॉलो करते हुए आने हैं अंत में हम अभिक्रिया के जिस साइड भी जितने H+ प्लस आयन लगे होंगे हम दोनों साइड उतने ही OH- एच माइनस आयन जोड़ देंगे बस ठीक तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ये अभिक्रिया आपको दी हुई है और आपको यह क्या करनी है बैलेंस करनी है तो हमें ऐसे परमाणुओं को जो पहला स्टेप है हमारा उतार लेना है सबसे पहले तो सही सही और ऐसे परमाणुओं को पहचानना है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है और फिर हमें उन्हीं को संतुलित भी करना है तो देखिए एच में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की हम प्लस वन लेते हैं नाइट्रोजन की एक्स प्लस तीन माइनस दो बराबर जीरो तो एक्स बराबर कितना आ गया बेटा प्लस पाँच नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस पाँच है H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो दो प्लस वन और एक्स हमने मान ली सल्फर की बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस टू ठीक NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने नाइट्रोजन की एक्स मान ली प्लस ऑक्सीजन की माइनस दो बराबर जीरो एक्स बराबर कितना आ गया प्लस 2. और सल्फर तो यहाँ मुक्त अवस्था में है तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी शून्य होगी ठीक तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है ठीक ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है और सल्फर का क्या हो रहा है बेटा? आपको पता है ना? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो सल्फर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक अब हमें इन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है तो नाइट्रोजन यहां भी एक है यहां भी एक है यहां पे सल्फर क्या है देखिए

तो इस समीकरण को ये जो ये वाली समीकरण है उसको हम दो से गुणा कर लेंगे कर लेते हैं दो से गुणा ठीक और इसको हम तीन से गुणा करेंगे तो थ्री एच टू एस और थ्री एस ठीक तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई ठीक आगे लिखी हुई है ये समीकरण देख लेते हैं ठीक ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई थी टू एच एन ओ थ्री 2NO3H2S और 3S ये हमने इस समीकरण को दो से गुणा कर लिया था और इसको तीन से गुणा कर लिया था अब क्या करना है बेटा ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हमें जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए कितनी है 2 3 जा 6 यहाँ कितने हैं 2 ही हैं तो यानी कि चार ऑक्सीजन की कमी है तो हम यहां पे क्या करते हैं बेटा चार ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं ठीक अब चेक कर लेते हैं कि सब तरफ सब कुछ बराबर है कि नहीं है सारे परमाणु बराबर है कि नहीं यहाँ दो नाइट्रोजन यहाँ भी दो नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन देखिए पे टू और ठीक सल्फर यहां भी तीन है यहां भी सल्फर तीन है हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं टू थ्री जा सिक्स और टू एट यहाँ भी फोर टू जाट तो इस तरीके से अब ये जो रिएक्शन है ये पूर्ण रूप से बैलेंस अभिक्रिया हमें प्राप्त हो गई ठीक आगे बढ़ते हैं ये एक अभिक्रिया है बेटा और ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है ठीक है यहाँ पे माध्यम कैसा है अम्लीय है ठीक इसको हमें ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा बैलेंस करना है ठीक तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं क्रोमियम की हम x मान लेते हैं प्लस सेवन माइनस टू बराबर ये वाला चार्ज माइनस टू एक्स बराबर कितना आ गया प्लस सिक्स तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ प्लस सिक्स है यहाँ पे SO3 की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो x प्लस तीन माइनस दो बराबर माइनस टू एक्स बराबर कितना आ गया प्लस चार ठीक ये प्लस चार है यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है प्लस तीन है यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बेटा कितनी है प्लस छः है निकाल के भी मैं दिखा सकती हूँ x प्लस चार माइनस दो बराबर कितना आ जाएगा प्लस ठीक तो इस तरीके से सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल दी जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है ठीक अब बेटा यहां पे हो क्या रहा है देखिए क्रोमियम का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है अपचयन हो रहा है ठीक और सल्फर प्लस चार से प्लस तीन में जा रहा है तो सल्फर का क्या हो रहा है यहां पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है ये बात क्लियर हुई और दूसरी बात हमें सबसे पहले उन्हीं परमाणुओं को संतुलित करना है जिनका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो यहां क्रोमियम दे है, यहां एक ही है, तो तो क्रोमियम एक ही इसको बैलेंस कर लीजिए दो कर लीजिए सल्फर यहां भी एक है यहां भी एक है ठीक अगला स्टेप ये कहता है तीसरा स्टेप कि ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि और कमी को हमें बराबर करना है तो देखिए यहां क्रोमियम जा रहा है प्लस छह से प्लस तीन में रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम जा रहा है 6 से 3 में यानी कि कितने की कमी हो रही है तो क्रोमियम के परमाणु तो कितने है? दो तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी बेटा छे की कमी हो रही है ठीक यहाँ पे देखिए सल्फर जो है सल्फर में देखिए चार से छे में जा रहा है यानी दो की क्या हो रही है हो रही है ठीक? तो की की कमी हो रही है और दो की हो रही रही है है, और तो इस वाली अभिक्रिया को कमी और वृद्धि को बराबर करने के लिए टू हम हमने, तो हमने यही पर बैलेंस किया था और तीन से गुणा हुई तो थ्री एसओ फोर टू माइनस ठीक तो यहां ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि और कमी हमने बराबर कर ली क्लियर अब बेटा क्या करना है देखिए वृद्धि और कमी बराबर हो गई अब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है तो ऑक्सीजन परमाणु यहाँ कितने हैं देखिए सात और थ्री थ्री टोटल है यहाँ कितने हैं बेटा देखिए तो हम क्या करते हैं फोर एच टू ओ जोड़ लेते हैं ठीक तो टोटल हमारे ऑक्सीजन परमाणु बैलेंस हो गए ठीक ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए जल के अणु जोड़ दीजिए तो ठीक है हमने फोर एच टू ओ जोड़ दिया अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए हमने जिधर जितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े हैं उतने ही हम क्या करते हैं हाइड्रोजन H+ प्लस आयन जोड़ देते हैं ठीक है तो जोड़ के लिख दीजिए एट एच प्लस आयन हमने जोड़ दिए और यहाँ पे फोर एच टू ओ जुड़ा हुआ है ठीक तो चलिए अब चेक कर लेते हैं सब कुछ बैलेंस है कि नहीं यहाँ आठ हाइड्रोजन है यहाँ भी फोर टू जाट हाइड्रोजन है क्रोमियम यहां दो है यहां भी क्रोमियम दो है सल्फर यहाँ तीन है, भी है. 3, 39, 9, 9 7, यहां भी सल्फर तीन है ऑक्सीजन देखिए सात ऑक्सीजन और और सात सोलह थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन आवेश देखते हैं बेटा आठ धनात्मक आवेश यहाँ है दो ऋणात्मक और यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स ऋणात्मक छह ऋणात्मक आवेश दो ऋणात्मक आवेश और आठ धनात्मक तो छे और दो आठ ऋणात्मक और आठ धनात्मक आवेश यहाँ न्यूट्रल हो गया यहाँ देखिए टू थ्री जा सिक्स धनात्मक आवेश और थ्री टू ऋणात्मक आवेश तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश यहां भी न्यूट्रल हो गया ठीक है तो इस तरीके से हमने अमलीय माध्यम में इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा क्या किया है बैलेंस कर लिया है चलिए एक और अभिक्रिया सॉल्व करते हैं और यह अभिक्रिया किस में में है में है क्षारीय माध्यम चलिए कोई दिक्कत नहीं है क्षारीय माध्यम में सॉल्व करते हैं तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या पहले तो निकालते हैं तो यहाँ मैगनी टू बराबर माइनस वन तो x बराबर कितना आ गया प्लस सेवन ठीक तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या हमने प्लस सेवन लिख दी यहाँ पे देखिए प्रोमिन की माइनस वन है एम एनोटो में एक्स मान ली प्लस दो माइनस दो बराबर Zero, तो x बराबर कितना आ गया प्लस फोर यहां मैग्नीज की ऑक्सीग्रख्या प्लस फोर है ब्रोमीन हम लेते हैं, प्लस तीन माइनस दो बराबर माइनस वन एक्स बराबर कितना आ गया प्लस पांच ठीक इसको मिटा देते हैं ठीक तो यहां देखिए क्या हो रहा है मैग्नीज का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ठीक ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है प्लस सात से प्लस चार जा रहा है ब्रोमीन का क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है माइनस वन से कहा जा रहा है प्लस फाइव में जा रहा है ठीक अब जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है और जिनका अपचयन हो रहा है उन परमाणुओं की संख्या को क्या करना है हमें बैलेंस करना है तो यहाँ एक है, है, है। यहाँ भी मैग्नीज है ब्रोमीन ब्रोमीन है है भी ठीक है अब अगला चरण यह है कि हमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि और कमी को संतुलित करना है बराबर करना है तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है बेटा तीन की कमी हो रही है क्लियर और यहां देखिए क्या हो रहा है माइनस वन से प्लस का पांच तो माइनस वन से जीरो एक की वृद्धि और जीरो से पांच टोटल वृद्धि कितनी हो गई छे की वृद्धि हो गई तीन की कमी हो रही है छे की वृद्धि हो रही है क्या करें कमी बराबर के, इसको दो से गुणा करते हैं, इस वृद्धिओर माइनस प्लस बी आर माइनस क्या बन जाएगा दो से गुणा मत करना मत भूलना है आपको नहीं भूलना है प्लस बी आर ओ थ्री माइनस क्लियर ऑक्सीजन की संख्या बराबर करते हैं अब जल के अणु जोड़कर तो यहाँ ऑक्सीजन कितने टू फोर जा एट यहाँ देखिये टू टू जा फोर और थ्री सेवन ऑक्सीजन है इधर यहाँ आठ है तो हम एक जल का अणु जोड़ देते हैं क्लियर हाइड्रोजन हमने वहां दो जोड़े हैं हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करने के लिए यहाँ टू एच पॉजिटिव जोड़ देते हैं ठीक बैलेंस हो गई ध्यान रखिएगा अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है और मैंने आपको ये बताया जब अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो जितने H प्लस आयन आपने जोड़े हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड आपको जोड़ने होंगे तो ठीक है क्या करते हैं हम इधर भी क्या करते हैं टू ओ माइनस आयन जोड़ देते हैं और इधर भी हम क्या कर देते हैं टू आयन जोड़ देते हैं ठीक ये टू एच आपस में मिलकर क्या बना लेंगे टू एच टू ओ ये एच टू ओ इधर लिखा हुआ है इसको हम इधर ले जाएंगे तो टू एच टू में से घट जाएगा कितना बचेगा एक एच टू ओ ठीक तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो गई हमें क्षारीय माध्यम में इसको चेक कर लेते हैं बेटा यहाँ पे H2O मिटाल देते हैं और 2OH- लिख लेते हैं ठीक बेटा बे चेक करते हैं मैग्नीज़ दो यहां है मैग्नीज़ दो यहां भी है ऑक्सीजन देखिए टू फोर जा एट और वन नाइन टू टू जा फोर फोर और थ्री सेवन सेवन और टू नाइन क्लियर ब्रोमीन यहां भी एक है ब्रोमीन यहां भी एक है ठीक है अब हाइड्रोजन दो यहां है यहाँ भी हाइड्रोजन दो है आवेश चेक कर लेते हैं दो ऋणात्मक और एक ऋणात्मक टोटल तीन ऋणात्मक यहां भी एक ऋणात्मक और दो ऋणात्मक टोटल तीन ऋणात्मक तो अभिक्रिया हमारी पूर्ण रूप से बैलेंस है किस माध्यम में छारी माध्यम में। क्लियर बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चा ठीक तो यहाँ पे बेटा आपको ये अभिक्रिया संतुलित करनी है और हमें इस अभिक्रिया में ए बी सी और डी के मान भी बताने हैं ठीक तो बेटा हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या आईओ थ्री माइनस में X प्लस तीन माइनस दो बराबर माइनस वन तो X बराबर प्लस पांच ठीक और यहां पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन है ठीक यहां पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है शून्य है ठीक तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या हो रहा है कि आयोडीन क्या हो रही है ऑक्सीकृत हो रही है आयोडीन ही ऑक्सीकृत हो रही है माइनस वन से जीरो पे जा रही है तो आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का ही क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन भी हो रहा है ठीक आपको इस अभिक्रिया को देखकर कोई अभिक्रिया याद आ रही है जिसमें हम लोगों ने इसका जस्ट उल्टा पढ़ा था असमानुपातन अभिक्रिया में कि एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन भी होता है उसी तत्व का रिडक्शन भी होता है तो वो जो अभिक्रिया कहलाती है वो असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है जहां तत्व ऑक्सीकरण और अपचयन के बाद अपनी उच्चतर और निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जाता है लेकिन यहां एक तत्व अपनी उच्चतर और निम्नतर ऑक्सीकरण संख्याओं से माध्यमिक ऑक्सीकरण संख्या या माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर रहा है तो यह अभिक्रिया डिस रिएक्शन की जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नेशन कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक तो कोई दिक्कत नहीं है इसको भी हम बैलेंस करेंगे ठीक है तो चलिए बैलेंस करते हैं बेटा और बैलेंस करते समय देखिए H प्लस और एच टू तो हमें बैलेंसिंग के टाइम मिल जाएंगे माध्यम कैसा है एम लिए आपको दिख रहा है I माइनस और क्या बन रहा है I2 टू अब आपके मन में होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कैसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको दिक्कत लग रही है आप एक आई टू और जोड़ दीजिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी हम वैसे निकाल लेंगे ठीक तो यहां से यहां पे जाइए से यहां पे जाइए ठीक है यहाँ प्लस पांच से जीरो में जा रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है देखिए रिडक्शन हो रहा है प्लस पांच से ये जीरो में जा रहा है क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और यहां माइनस वन से जीरो में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लियर अब एक चीज और देखिए, यहां पे देखिए आयोडीन दो है यहां भी आप दो आयोडीन कर लीजिए यहां भी आयोडीन दो है यहां भी आयोडीन दो कर लीजिए यहां ऑक्सीडेशन संख्या में एक अणु में पांच की कमी हो रही है ठीक एक अणु में, में पांच की कमी हो रही है परमाणु तो कितने हैं है, तो सॉरी एक परमाणु में पांच की हो रही है। दो परमाणु में कितने की वृद्धि हो जाएगी दो <scoop 2> की वृद्धि हो जाएगी ठीक माइनस वन से जीरो में जा रहा है कमी और वृद्धि को बराबर करना है तो यानी इस वाली समीकरण को हमें पांच से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा गुणा कर लीजिए चलिए टू आई ओ थ्री माइनस प्लस पांच से गुणा कर रहे हैं टेन आई माइनस बन जाएगा ठीक कोई दिक्कत नहीं सिक्स आई टू लिख लेते हैं ठीक पूरी अभिक्रिया दो से भाग दे दें भाग दे दीजिए टू आई ओ थ्री माइनस प्लस फाइव आई माइनस और क्या बन रहा है 3 i2 ठीक अब ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करते हैं देखें यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं 3 h2o जोड़ लेते हैं ठीक और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हमने जोड़े हैं कितने जोड़े हैं बेटा छः जोड़े हैं तो यहाँ पे 6 h+ जोड़ लेते हैं अब रिएक्शन चेक कर लेते हैं बैलेंस ही कि नहीं आयोडीन यहां एक और पांच टोटल छह हैं यहां भी टोटल छह हैं हाइड्रोजन यहाँ छः हैं, यहाँ भी छः हैं। ऑक्सीजन यहाँ तीन है यहाँ भी तीन है ठीक है यहाँ धनात्मक और टोटल छः ही ऋणात्मक आवेश इधर भी न्यूट्रल यहाँ भी न्यूट्रल ठीक एबीसीडी के मान बताने हैं तो बेटा ए का मान कितना आ गया पांच ठीक बी कितने एच प्लस आयन है ठीक और देखिए सी एच टू कितने हमारे तीन और डी आई टू कितने हैं तीन ठीक डी का मान भी आपको पता चल गया क्लियर अब आगे एक रिएक्शन और है जिसे हमें क्षारिय माध्यम में ही संतुलित करना है ठीक तो चलिए क्षारिय माध्यम में संतुलित करते हैं यहाँ फास्फोरस मुक्त अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य है यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं x प्लस तीन प्लस एक बराबर जीरो एक्स कितना आ गया माइनस ठीक अब यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है? टू हाइड्रोजन की प्लस वन प्लस एक्स प्लस दो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या माइनस दो बराबर माइनस वन तो प्लस टू प्लस एक्स माइनस फोर बराबर माइनस वन एक्स बराबर कितना आ गया प्लस वन ठीक अब ये वही अभिक्रिया है बेटा जो मैंने आपको बताई असमानुपातन अभिक्रिया क्योंकि एक ही तत्व का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी फॉस्फोरस का क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन भी हो रहा है क्योंकि जीरो से माइनस तीन में जा रहा है और यहां ये 0 से जा रहा है प्लस वन में ऑक्सीडेशन तो और रिडक्शन रिएक्शन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं अलग अलग जिससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जो वृद्धि और कमी होती है उसको बराबर करने में सहूलियत मिल जाए तो चलिए हम लिख लेते हैं पी फोर प्लस P4, OH minus sign को अभी भूल जाते हैं क्योंकि वो अभी हमें बाद में रिएक्शन जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक? PH3 plus H2PO2 minus, clear? यहाँ minus three, यहाँ plus one, यहाँ zero और यहाँ भी zero, ठीक? तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑक् ठीक अब उन परमाणुओं को आपको बैलेंस करना है ठीक तो चार फास्फोरस है यहां, भी चार फास्फोरस है, यहां दोनों जगह एक ही एक है तो हम चार चार कर लेते हैं ठीक अब वृद्धि और कमी को देखते हैं यहां कितनी कमी हो रही है बेटा एक फास्फोरस के परमाणु में तीन की कमी हो रही है तो चार फास्फोरस है तो कितने की कमी हो जाएगी बेटा एक में तीन की कमी तो चार में बारह की कमी ठीक यहां देखिए एक की वृद्धि हो रही है एक फास्फोरस के परमाणु में तो चार फास्फोरस है तो बेटा कितने की वृद्धि हो जाएगी चार की वृद्धि हो जाएगी कमी वृद्धि को बराबर करना है तो यहाँ बारह की कमी हो रही है चार की वृद्धि हो रही है तीन से गुणा कर लेते हैं इस वाली समीकरण को चलिए करते हैं बेटा तो P4 फोर प्लस तीन से गुणा करेंगे थ्री पी फोर क्या बनेगा फोर पी एच थ्री प्लस ट्वेल्व एच टू पी ओ टू माइनस ठीक लिख सकते हैं थ्री पी फोर और पी फोर आपस में जुड़कर क्या बन जाएंगे फोर पी फोर बन जाएंगे पूरी समीकरण को चार से भाग दे दूं। चलिए भाग दे लेते हैं तो क्या बन जाएगा पी फोर पी एच थ्री प्लस फोर से भाग दे रहे हैं तो थ्री एच टू पी ओ टू माइनस क्लियर ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करना है तो यहां टू थ्री जा सिक्स तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सिक्स एच जोड़ देते हैं हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं बेटा देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं टू थ्री जा सिक्स और थ्री नाइन यहाँ पे नाइन हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नाइन हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ पे कितने हैं सिक्स टू जा ट्वेल्व यहाँ नाइन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे थ्री एच आयन जोड़ देंगे ठीक अब क्योंकि आपको दिख रहा है बेटा कि अभिक्रिया का माध्यम क्या है चार है तो हमने जिस साइड जितने आयन OH, जोड़े हैं दोनों साइड उतने ही ओ एच माइनस आयन जोड़ देंगे ठीक तो हम इधर भी थ्री ओ एच माइनस आयन जोड़ देंगे और हम इधर भी थ्री ओ एच माइनस आयन जोड़ देंगे फिर से लिख देती हूँ थ्री ओ एच माइनस आयन जोड़ देंगे क्लियर अब बेटा ये थ्री एच प्लस आयन और थ्री ओ एच माइनस आयन आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे थ्री एच टू ओ बना लेंगे और ये थ्री एच टू ओ जब यहां आएगा तो सिक्स एच टू ओ में से घट जाएगा तो देखिए कितना बचेगा थ्री एच टू ओ बचेगा ठीक तो लिख लेते हैं एक बार तो बेटा हम लिखते हैं समीकरण फिर से थ्री ओ एच माइनस आएन प्लस थ्री एच टू ओ प्लस पी फोर ठीक प्लस पी फोर क्या बना रहे हैं देखिए पी एच थ्री प्लस थ्री एच टू पी ओ टू माइनस ठीक आप सबको चेक कर लीजिए सब सब तरफ सारे परमाणु और आवेश बराबर हैं कि नहीं है ठीक है तो देखिए फास्फोरस यहाँ चार है यहां एक फास्फोरस है और यहां तीन फास्फोरस है टोटल फास्फोरस यहाँ कुल मिला के कितने हो गए चार फास्फोरस यहां भी हो गए हाइड्रोजन चेक कीजिए तीन हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स और थ्री नाइन हाइड्रोजन है यहाँ भी देखिए नहीं थ्री थ्री टू जा सिक्स और थ्री नाइन हाइड्रोजन है ठीक है यहाँ भी थ्री टू जा सिक्स और थ्री नाइन हाइड्रोजन है ठीक क्लियर ऑक्सीजन देखिए तीन ऑक्सीजन यहां और तीन ऑक्सीजन यहाँ टोटल ऑक्सीजन इधर छः हैं, यहां भी थ्री टू जा सिक्स टोटल ऑक्सीजन यहाँ भी छे हैं यहाँ इधर देखिए थ्री ऋणात्मक आवेश यानी तीन ऋणात्मक आवेश है यहाँ भी तीन ऋणात्मक आवेश है तो ये जो डिसनेशन रिएक्शन है ये भी हमें पूरी तरीके से बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो गई है बच्चों ठीक है तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है सबसे पहले उन तत्वों को पहचानना है जिनमें क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है फिर ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हो रही है और वृद्धि हो रही है उसको क्या करना है बराबर कर देना है लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि परमाणु कितने हैं है ना और फिर हम वृद्धि और कमी को कैलकुलेट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो आपको क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आप एच टू जोड़ दीजिए ठीक है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो H जोड़े। में OH जोड़ जितनी H है इस तरीके से आप कोई भी अभिक्रिया बैलेंस कर सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है आप बिल्कुल मत घबराइए आप दो बार लिख लीजिए आपको दिक्कत होती है एक ही में करने में तो आप दो बार लिख लीजिए अंत में सब बैलेंस हो जाना है ठीक है चलिए आगे ये बेटा आपका होमवर्क है और आपको निम्नलिखित रिडॉक्स अभिक्रियाओं को छारीय माध्यम में आक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित करना है ठीक और ये जो एक अभिक्रिया आपको दी है उसको आपको अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित करना है ठीक है बच्चों बच्चों तो बचो, आज हमने रिडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित करना सीखा है ठीक है और इससे अगले वाले व्याख्यान में बच्चों हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाएँ और इलेक्ट्रोड प्रक्रम हम क्या करेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाओं की रासायनिक ऊर्जा को बदलना सीखेंगे कि कैसे हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं डेनियल सेल बनाकर तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कि जो रसायन विज्ञान भाग दो की पुस्तक है आप उससे स्वाध्याय करेंगे जिससे अगला व्याख्यान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आज जो मैंने पढ़ाया है बेटा आज जो मैंने पढ़ाया है केवल अंडरस्टैंडिंग आपको दी है इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपको वो चीज क्लियर होती जाएगी ठीक है मैंने कार चलाना आपको सिखा दी है कि कैसे गियर बदलेंगे और कैसे ब्रेक लगाएंगे कैसे एक्सिलेट करेंगे ठीक है लेकिन आप सड़क पर जब निकलेंगे तो एक्चुअल अनुभव तो आपको तभी होगा तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से रिडॉक्साओं को संतुलित करना आ जाएगा मैं आशा करती हूँ कि आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा धन्यवाद